तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आज टेस्ट आउट करने वाली हूँ टोमेटो आइस क्यूब को। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है इसके बारे में कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है आपके स्किन लाइटनिंग में, एक्ने मार्क्स में, स्पॉट्स में, पिगमेंटेशन में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करती हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मैं ले रही हूँ ये आइस क्यूब एंड अपने रब करूँगी अपने चीक एरिया पे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे अच्छे से मसाज करते रहना है आपको और ये मेल्ट होता रहेगा और एक आइस क्यूब काफ़ी इनफ होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाना भी है। तो देखिए क्या होता है कि जो टोमेटो है और इसके अंदर जो लेमन है, दोनों ही विटामिन सी का अच्छा सोर्स है जो कि आपके लाइटनिंग वाइटनिंग में अच्छा काम करते हैं और विटामिन सी आपकी एजिंग में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड अगर मैं बात करूँ हनी की तो वो भी स्टॉप करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। आपका रोज वाटर है जो कि आपके स्किन टोनर में बहुत अच्छा काम करता है, उसमें अच्छा काम करता है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं और आप जब डायरेक्ट इसे अप्लाई करते हैं एक आइस फॉर्म में, तो ये बट ऑब्वियस है कि अच्छा काम करेगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इसके काफ़ी एक्टिव हैं। बट हो सकता है कि ज़्यादा रब करने पे ऐसा कुछ आपको ब्रेकआउट्स भी हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मुझे स्मॉल बम्प आया था इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद, लेकिन उसके बाद मेरे फेस को शायद हैबिट हो गई है। यहाँ पर जिस तरीके से मैं रब कर रही हूँ इसको, जस्ट मैंने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। एंड 10 मिनट्स के बाद एक्चुअली क्या होता है कि आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में इसे रब करती हूँ ताकि इसको रब करते हुए ही स्किन से निकालती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा डिसेंट रिजल्ट देता है। देखिए एक्ने वगैरह तो आपको वो प्रॉपर एरिया को छोड़ना होगा क्योंकि और ब्रेकआउट कर सकता है, तो वो एरिया छोड़ के आप प्रॉपर अच्छे से मसाज करते हुए इसे धो लीजिए। और वॉश करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर खासकर आपके ऑयल है तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। आपका ऑयल बिल्कुल निकल जाता है, आपकी इवन आउट लगती है स्किन। अगर आपने आँख के जस्ट नीचे वाला एरिया देखें क्योंकि नीचे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है तो वो थोड़ा आपको रेड दिखेगा, लेकिन वैसे स्किन काफ़ी क्लीन लगती है, क्लियर लगती है, टैन निकल जाती है। अगर डिस्कलरेशन है, जैसे आपका फोरहेड का एरिया डार्क है और स्किन सही है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आपके नीज पे, आपके इस तरीके की जो डार्क एरियाज होते हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। तो आगे चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह कैसे मैंने इसको बनाया है। देखिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ टमाटो। एक टमाटो हमें चाहिए होगा और इनफ है एक टमाटो आपका। एंड नेक्स्ट है हनी, हनी यूज़ कर रही हूँ मैं। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन रोज वाटर, तो ये है। देन हम यूज़ करा ले लेंगे मिक्सर ग्राइंडर का, जिसके अंदर हमें मिक्स इसको कट कर लेंगे टमाटो को और इसके अंदर ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे। टमाटो को डालने के बाद इसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और ब्लेंड करने के बाद इसमें हम इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो आपके ऊपर है कर डालना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी बाद में ही डालें। तो कुछ इस तरीके का आपको पेस्ट मिलेगा। तो पहले हम डालेंगे हनी। तो हनी हम इसको कम ही डालेंगे क्योंकि मुझे हनी ज़्यादा सूट नहीं करता फेस में, तो इसे कम से कम हम इसे हाफ टेबल स्पून तो डालेंगे ही। देन नेक्स्ट जो हम ले लेंगे वो लेंगे रोज़ वाटर। सो रोज़ वाटर हम कम से कम एक टेबलस्पून तो डालेंगे ही डालेंगे, एक से डेढ़, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहें। नेक्स्ट हम लेंगे लेमन एंड लेमन स्क्वीज कर लेंगे कम से कम एक टेबलस्पून, क्योंकि लेमन मुझे प्योरली सूट करता है, आप लोगों में से सूट नहीं करता है तो अवॉइड कीजिएगा, ये कम ही डालिएगा। तो एक टेबलस्पून के करीब में ये डाल रही हूँ मैं लेमन जूस। उसे स्क्वीज करने के लिए रखना होगा, तो करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक ट्रे आइस ट्रे। तो मैं ले रही हूँ आइस ट्रे और देखिए कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी है इसकी। ओके तो यस, अब हम ले लेंगे ट्रे। ट्रे में इसे अच्छे से पोर कर लेंगे, अच्छे से निकल आता है ये तो। और आप देखिए इसके अंदर डाल लेंगे, देन इसको फ्रीज कर दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसे यूज़ करें। यूज़ करते हैं थोड़ा इवनिंग टाइम में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये था आइस क्यूब का मेरा एक्सपीरियंस और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कुछ नहीं अदर केमिकल चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो ये आइस क्यूब टोमेटो वाला तो यूज़ कर ही सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा।